राष्ट्रीय टीपू सुल्तान युवक संघ ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट अरशद दखनी ने गवर्नमेंट उर्दू स्कूल की वीरान हालत पर गौर फिक्र करते हुए तमाम पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स और बच्चों के माँ बाप से गुजारिश कर कहा, उर्दू मीडियम स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन कराएं। गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल में बच्चों की तादाद कम होने की वजह से आहिस्ते आहिस्ते गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल बंद होते जा रहे हैं। साल 2022 के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी है कि वो उर्दू मीडियम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों में अवेयरनेस लाए। उर्दू मीडियम स्कूल में भी उर्दू के अलावा इंग्लिश और कन्नड़ा लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, पर ज़्यादा एडमिशन ना होने की वजह से तकरीबन गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल बंद हो चुके हैं। मैं अरशद दखनी, राष्ट्रीय टीपू सुल्तान युवक संघ का नेशनल प्रेसिडेंट। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से इस बात की बिलखसूस अपील करता हूं कि आज जून की पहली तारीख है, एडमिशन्स चालू हो चुके हैं स्कूलों के। मेरे भाइयों, 10 साल से जो उर्दू मीडियम की हालत साल बा साल जो कम स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, इसके ऊपर तमाम मुसलमानों के जो नेता है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो मस्जिदों के सदर है, जो एरिया के कॉरपोरेटर है और जो भी संगठन वाले हैं, सभी लोग इस साल उर्दू मीडियम के स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दाखिला कराने की कोशिश करें और अपील भी करें, क्योंकि हमारी मादरी जो ज़बान है उर्दू, हम कुरान करीम जब पढ़ेंगे तो हमें तर्जुमे के लिए उर्दू ही ज़रूरत पड़ती है। मेरे भाइयों, इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि कन्नड़ा और इंग्लिश को अवॉइड करें। उर्दू मीडियम में तो एक सब्जेक्ट कन्नड़ा का भी होता है, एक सब्जेक्ट इंग्लिश का भी होता है, और कुछ लोगों की, हमारे ही लोगों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि उर्दू मीडियम में सिर्फ गरीब बच्चे ही दाखिला लेते हैं और उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को आगे इन फ्यूचर कोई नौकरियों में दाखिला नहीं होता। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, जो भी उर्दू मीडियम से पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, पायलट है, कई बड़े बड़े जो है ना उहदों पर अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम पढ़ने वाले स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हर जॉब के अंदर है, आप सर्च कीजिए। इसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं। स्ट्रेंथ कम होते जाएंगी तो हुकूमत एक स्कूल को 10 स्कूलों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, इसके जिम्मेदार हमारे मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बस इस बात पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू ही एक ऐसी जुबान है, उर्दू ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बोल इतने मीठे होते हैं मेरे भाइयों।